हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन में हमने ले लिया है एक कप चावल। अभी इनको अच्छे से हम धो लेंगे। तो चावल को हमने अच्छे से धो लिया है और अभी इनको पानी में 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बासमती राइस लिया है। बीस मिनट हो चुका है, अभी चावल को पानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने चावल को पानी से निकाल कर एक थाली में ले लिया है। अभी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही में डाल देंगे एक चम्मच घी। तो अगर आप लोग चाहें तो इस पुलाव को सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल और घी दोनों डाला है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे एक टुकड़ा दालचीनी, साथ में डाल देंगे एक बड़ी इलायची क्रश किया हुआ, दो क्रश हरी इलायची, दो सूखी लाल मिर्च और इनको अच्छे से भून लेंगे। तो अभी इसमें हम डाल देंगे दो तेज पत्ता और इनको भी भून लेंगे। तो सारे खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी इनमें हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने एक कप आलू लिया है, एक मीडियम साइज के आलू को मैंने कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में ले लिया है। साथ ही में डाल देंगे एक कप गाजर, तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ इक्वल क्वांटिटी में लिया है। अभी साथ ही में डाल देंगे फ्रेंच बीन्स एक कप, साथ ही में डाल देंगे एक चॉप किया हुआ प्याज और एक कप हरी मटर। और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। हम इन सब्जियों को भुनेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने इन सब्जियों को भुना है। अभी इसमें हम डाल देंगे चावल। तो चावल डालने के बाद अभी सब्जियों के साथ चावल को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो हल्के हाथों से आप चावल को भूनिएगा, वरना जो चावल है वो टूट जाएंगे। तो चावल को सब्जियों के साथ हमने अच्छे से मिला लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्ची जो बीच में से कटा हुआ है और साथ ही में डाल देंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अभी फिर से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और चावल को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे।
तो लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इन चावल और सब्जियों को भुना है। अभी इनमें हम डाल देंगे 2.5 कप पानी। जिस कप से हमने चावल लिया था उसी कप से हम पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी और चीनी को इनके साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो चीनी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अभी इसे हम ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि सब्जियां और चावल अच्छे से पक जाए। और जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और ले लेंगे एक पैन। पैन को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच काजू और किशमिश और इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी गैस को बंद कर लेते हैं और इनको डाल देंगे चावल में। ढक्कन को उठा लेते हैं और अभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं चावल में। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को चावल में डाल दिया है। अभी हल्के हाथों से ड्राई फ्रूट्स को चावल के साथ मिला लेंगे। तो लगभग 15 मिनट तक हमने चावल को पकाया था। अभी ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद इनको फिर से ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और चावल और सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। तो 10 मिनट हो चुका है। अभी हम ढक्कन को उठा लेंगे और ये देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। और ये चावल कितने खिले खिले बने हैं। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा वेजिटेबल पुलाव। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को ऐसी और भी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो आप लोग जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं।